हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी गुवाहाटी पहुंचे, जहां उन्होंने मां कामाख्या देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी सुमन सैनी और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी मौजूद रहे। यहां उन्होंने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मां के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। मैं चुनाव के पहले भी आया था और चुनाव के बाद भी मैं मां के दर्शन करने आया हूं। मैं हरियाणा प्रदेशवासियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे लोग स्वस्थ और रहें और विकास की इस गाथा में मजबूती से अपना योगदान देते रहें, और हमें जो बहुमत दिया गया है उसके लिए मैं प्रदेशवासियों का धन्यवाद करता हूं। बता दें, हरियाणा का मुख्यमंत्री चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह और सीएम मोहन यादव को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, जो 16 अक्टूबर को विधायक दल का नेता चुनेंगे। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि माँ कामाख्या के चरणों में आने का अवसर मिलता है। मैं चुनाव से पहले भी माँ के चरणों में शीश नवाने के लिए आया था, और अब चुनाव के बाद भी मैं माँ कामाख्या के चरणों में शीश नवाने के लिए आया हूँ। मैं हरियाणा प्रदेशवासियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे हरियाणा के लोग स्वस्थ रहें और विकास की इस गाथा के अंदर अपना योगदान मजबूती से देते रहें। मैं ऐसी माँ कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और जो हरियाणा के लोगों ने जो एक बड़ा मैंडेट दिया है, एक बहुमत दिया है, मैं उसके लिए सभी हरियाणावासियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ।